पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर इमरान शेख आपका अपना सेक्सोलॉजिस्ट। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू फिर एक यूनिक मौजू है और वो है सेक्स टॉयज़ या अडल्ट टॉयज़। हमारे माशरे में इसको भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफी समझा जाता है। हर चीज़ के, हर शय के दो पहलू लाजमी तौर पे होते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। छुरी अगर आपके हाथ में है तो आप किसी का गला भी काट सकते हैं और तरबूज भी काट सकते हैं। तो इस्तेमाल करने वाले पे है कि वो किसी चीज़ का इस्तेमाल दुरुस्त कर रहा है या गलत कर रहा है। सेक्स टॉयज़ का या अडल्ट टॉयज़ का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले ये ख्याल पैदा होता है कि शायद ये सिर्फ अयाशी के लिए हैं। यकीनन ये अयाशी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर लेने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन नाज़रीन इसका एक इस्तेमाल वो है जो हमारे घरों को बचा लेता है, हमारी ज़िंदगी को बचा लेता है, बेशुमार लोगों को लूटने से बचा लेता है, बेशुमार लोगों की इज़्ज़त को महफूज रखता है और एक इंसान जो कमज़ोर तरीन नफ्स का मालिक है उसको ये इस हद तक ज़रूर सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है कि वो बहुत सारे गुनाहों से ख़ुद को महफूज रख सकता है। सेक्स टॉयज़ क्या है? सेक्स टॉयज़ डिफरेंट किस्म की शेप में, वाइब्रेटर्स की शेप में और लिंग की शेप में, डिफरेंट किस्म की वो चीज़ें जो स्टिमुलेट करने के लिए, प्लेजर के लिए, एक दूसरे की तस्कीन के लिए दो साथी इस्तेमाल करते हैं। अगर तो ये मियाँ बीवी के दरमियान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो बेशुमार घरों को इसके इस्तेमाल से बचाया जा सकता है। मौजूदा दौर में ग़िज़ा जो कि इंतहाई नाकिस है, माहौल जो कि इंतहाई गंदा हो चुका है और हर तरफ डस्ट, एलर्जी और गंदगी है। और तीसरा ये कि इस टाइम पे इश्तिहार, अगर शेविंग किट का भी इश्तिहार होता है तो साथ खातून खड़ी हुई होती हैं, मोटर बाइक का ऐड है तो उसके साथ भी खातून खड़ी हुई होती हैं। यानी मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया जाता है सेक्सुअल साइड के ऊपर कि हर आदमी बम की तरह तो घूम रहा है लेकिन उसके अंदर उस बारूद की शदीद कमी है जो बम को चलने के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर मियाँ और बीवी के रिश्ते में सेक्स टॉयज़ को एक अच्छे तरीके से शामिल कर लिया जाए तो हम बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे माशरे का, दुनिया के माशरे का हिस्सा जिसे हम लूत कहते हैं या लूत अलैहिस्सलाम की कौम के मामलात, जिसमें बेशुमार लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जो एनल सेक्स के आदी हैं। अब एनल सेक्स का आदी पर्सन जो है, करने वाला भी, टॉप भी, बॉटम भी, दोनों माशरे के लिए ख़तरनाक रहते हैं। करने वाला भी शिकार की तलाश में होता है और करवाने वाला भी शिकार की तलाश में होता है। लेकिन अगर इनको ऐसे टॉयज़ प्रोवाइड कर दिए जाएं जो बिल्कुल नेचुरल शेप के होते हैं तो वो अपने आप को उससे डिस्चार्ज करके तस्कीन दे के कम अज़ कम बेशुमार ऐसे लोगों को बचा सकते हैं जो किसी भी तरीके से उनके नज़र में आ सकते हैं। उसके अलावा वो मर्द जो कमज़ोर हैं, अपनी बीवी की तस्कीन नहीं कर पाते, बीवी को मुतमिन नहीं कर पाते, वो इन टॉयज़ की मदद से, अडल्ट टॉयज़ की मदद से अपनी मिसेस को आर्गिज़म दिलाकर ख़ुद भी पुरसुकून हो सकते हैं और बीवी को भी पुरसुकून कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल, अगर आप ये सोचें कि सिर्फ अयाशी के लिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सेक्स टॉयज़ को आप एक खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल के लिए भी यूज़ हो सकता है, फ़ीमेल के लिए भी यूज़ हो सकता है। वो फ़ीमेल डाइवोर्स्ड हो जाती हैं, एक तवील अरसा अकेला रहना पड़ता है, या जिनके शोहर बाहर चले जाते हैं, तो बजाय इसके किसी फ़र्द के साथ वो इन्वॉल्व हो जाएँ और जना में दाखिल हो जाएँ या माशरती बहुत सारी खराबियों का बायस बने, तो बड़ी हद तक वो ख़ुद को इससे तस्कीन दे के, डिस्चार्ज ले के मुतमिन हो सकती हैं। सेक्स टॉयज़ की शक्ल अब ऐसी बनी है जिसमें आर्गन की शक्ल है, वाइब्रेटर की शक्ल है। यानी वक्त के साथ, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि देखें, किसी दौर में मट्टी के तेल से चला करते थे पंखे, फिर एक वक्त आया कि बिजली से चलने लग गए और आजकल सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। तो इसी तरह वक्त के साथ से चीज़ें अपनी शक्ल बदलती रहती हैं। तो सेक्स टॉयज़ भी आज अपनी शक्ल बदलते बदलते उस मुकाम पर आ गए कि बिल्कुल रियल शेप में होते हैं, जिससे साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली दोनों अंदाज में उसको यूज़ करने वाले जो पार्टनर्स होते हैं वो मुतमिन हो जाते हैं। तो सामीन और नाजरीन, अगर आप सेक्स टॉयज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचें तो ये हमें बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है और बहुत सारे घरों को पुरसुकून कर सकता है। वो फीमेल्स जिनके मेल उनसे आते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं और मिलते हुए डिस्चार्ज हो जाते हैं या फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसे हम सूरत इंजाल कहते हैं या प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक नेमत है कि वो अपनी बीवी को पहले मुतमिन कर सकता है। जब पिसेस उसकी ऑर्गेज़म के करीब पहुँच जाए तो कुदरत ने जो उसको हक़ दिया हुआ उस एक्टिविटी को डन करते हुए वो ख़ुद भी इंजाल और अपनी मिसेस को भी इंजाल करवा सकता है। मुझे यकीन है कि आपके जहन में इससे मुतल्लिक़ बहुत सारे सवालात होंगे और मैं चाहूँगा कि आप उन सवालात को इनके पोर्टल पे दें ओला के, तो हम मज़ीद उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करके अपने आप को भी नज़रियाती तौर पर क्लियर कर सकें और आपको भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।